नमस्कार। देश की बात की शुरुआत राजनीति की एक बड़ी खबर से। राहुल गांधी की यात्रा केरल में आगे बढ़ रही है। आज उन्होंने एर्नाकुलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खास यह है कि उनके साथ आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ेंगे। कल सचिन पायलट उनके साथ थे और कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव खासी चर्चा में बना हुआ है। राहुल से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े जाने जा रहे नेताओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ पद नहीं है बल्कि एक वैचारिक पद है। आइए सुनते हैं। द कांग्रेस प्रेसिडेंट इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट। द कांग्रेस प्रेसिडेंट इज ए आइडियोलॉजिकल पोस्ट। इट इज ए बिलीफ सिस्टम। सो माई एडवाइस वुड बी दैट whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system and he represents a vision of India. और बीच में ये बात कही जा रही थी कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के अलावा मुख्यमंत्री पद भी रखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत उदयपुर में माना जा चुका है। जो what we have decided, जो हमने उदयपुर में decide किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक commitment है, तो I expect that commitment will be maintained. इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन, आपसे समझना चाहूंगी, तमाम नाम है, कल ही हमने देखा किस तरह से दिग्विजय सिंह ने भी हमारे चैनल में कहा कि डोंट काउंट मी आउट, आज कुछ और नाम भी सुनने को आ रहे थे, तो हो क्या रहा है अध्यक्ष पद के जो लड़ाई में? देखिए, अध्यक्ष पद की लड़ाई जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हालांकि आज ही से है जो कि नोटिफिकेशन आया है, इंतजार करना होगा कब कितने लोग चुनावी मैदान में आते हैं, लेकिन हम सबको मालूम है कि अशोक गहलोत जो है वो चुनावी मैदान में रहेंगे क्योंकि वो 10 जनपद के पसंद बताए जा रहे हैं और 10 जनपद की पसंद होने के नाते अब उनके ऊपर जिम्मेवारी है कि वो किस ढंग से इसको लेते हैं। भले ही जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा कि वो जो है राजस्थान को भी खोना नहीं चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ऐसे ये संभव नहीं हो पाएगा, जो कि आज राहुल गांधी ने साफ कर दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत उदयपुर में लिया गया है। एक पद पर एक व्यक्ति 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता, इसको लेकर के कई महासचिवों की AICC में छटनी हो गई है। तो अब दूसरा सवाल उठता है कि जब अशोक गहलोत तो यदि कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालेंगे तो वहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री का तो पद खाली होगा, वहाँ पर कौन जाएगा? इसको लेकर के अशोक गहलोत ने एक सीधी सी बात कही है कि विधायक को डिसाइड करना चाहिए। कांग्रेस का स्टेटेड पोजीशन भी यही है कि विधायक ही अगला नेता तय करेंगे। इसमें आप कोई भी नाम गिन सकते हैं, कई नामों की चर्चा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिन पायलट का नाम सबसे ऊपर होगा, बाकी जो भी है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम भी होगा, रघु शर्मा का भी नाम लिया जा रहा है, तो कई 3-4 नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं इन सब नए राजस्थान के मुख्यमंत्री। लेकिन अगर मैं आपसे सियासत समझना चाहूं, खास तौर से जो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ का नाम, मनीष तिवारी, तमाम ये बड़े नाम हैं, तो ये जो चुनाव होगा उसकी दिशा क्या होगी? देखिए, दिशा जो है तय कर दी गई है। भले ही राहुल गांधी कहें कि कांग्रेस अध्यक्ष का या कांग्रेस उनका कोई इससे लेना देना है, तो हम और आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कांग्रेस 10 जनपद का वरदहस जो है अशोक गहलोत के ऊपर है, तो वही बनेंगे। भले आप नाम गिना सकते हैं, शशि थरूर के नाम की चर्चा है, देखते हैं वो नॉमिनेशन करते हैं या नहीं करते हैं। दिग्विजय सिंह ने आज हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह से बात करते हुए गोलमटोल जवाब दिया, लेकिन अंदर की खबर है कि वो भी चुनाव मैदान में नहीं आना चाहते हैं। G23 अब G23 रहा नहीं, उनमें से मनीष तिवारी के नाम की चर्चा है, देखते हैं वो भी आना चाहते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि एक बार लोगों को इशारा जब समझ में आ गया कि अशोक गहलोत 10 जनपद की पसंद है, तो कोई दूसरा उम्मीदवार आएगा तो वो करारी हार मिलेगी। तो ऐसे में कोई क्या दूसरा आना चाहेगा या अशोक गहलोत निर्विरोध होंगे? मैं यहां तक जाने जो कहने के लिए तैयार हूं कि शायद अशोक गहलोत निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते। चलिए, आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन भारती। और अब आगे बढ़ते हैं देश की बात में, कुछ और अन्य राजनीतिक खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब चलते हैं। पंजाब में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर घमासान जारी है। कल राज्यपाल ने विशेष सत्र को पहले अनुमति देने के बाद आदेश अपना वापस ले लिया था। इसे लेकर आज सुबह मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों के साथ बैठक की और फिर सभी विधायकों के साथ राजभवन तक शांति मार्च भी निकाला।
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था और विश्वास मत साबित करने के लिए आज विशेष सत्र भी बुलाया गया था। अब राज्यपाल ने मना करने पर पंजाब कैबिनेट ने एक बार फिर से प्रस्ताव पास करके मंगलवार को यानी कल मंगलवार को विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। और आपको बता दें, बीजेपी के नेता जैसे ही सीएम आवास के नजदीक पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेता आगे बढ़ते रहे। बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद भी बीजेपी कार्यकर्ता नहीं माने और बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए और इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई है। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। बाद में सुनील झाकड़ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी ओर राजभवन की ओर बढ़ रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप विधायकों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया था। कुछ देर पहले प्रदर्शन करने के बाद आप विधायक चले गए थे। हम चंडीगढ़ में उस जगह पर खड़े हैं, उस सड़क पर खड़े हैं जहां से अगर मेरी दाईं तरफ आप देखें तो यही सड़क जो है विधानसभा की बिल्डिंग की तरफ जाती है और इस सड़क पर आज आम आदमी पार्टी के जो 92 विधायक हैं वो यहां से विधानसभा की बिल्डिंग से राज्यपाल के घर यानी पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के घर जाने वाले थे, लेकिन सामने जो आप बैरिकेड ये देख रहे हैं, पुलिसकर्मी देख रहे हैं, ये यहाँ पर सख्त तैनाती कर दी गई थी ताकि विधायक यहाँ से राज्यपाल के राजभवन यानी उनके आवास पर ना जा सकें। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि पंजाब के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनका ये कहना था कि सरकार जो है, गवर्नर जो हैं, राज्यपाल जो हैं, वो उनके खिलाफ हैं। उन्होंने असेंबली सेशन ना बुलाकर ऑपरेशन लोटस को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा पर और इसी वजह से कल रात जो है, जो आज एक असेंबली सेशन यहाँ पर स्पेशल सेशन बुलाया जाना था, उसको कल रात पंजाब के राज्यपाल ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून प्रोविजन या कोई ऐसी राय उनको नहीं समझ आती कि क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार जो एक मेजॉरिटी में है, बहुमत में है और उनको किसी का खतरा नहीं है, वो क्यों ऐसा मोशन मूव करना चाहते हैं। तो ऐसे कारणों की वजह से असेंबली सेशन नहीं बुलाया जाना चाहिए या उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद आज विधायक यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्हें जाने नहीं दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सामने आकर कुछ देर पहले ये इत्तला दी, ये सूचना दी लोगों को कि एक बार फिर से कैबिनेट में वही प्रस्ताव पास हुआ है कि अगले मंगलवार को दोबारा से विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। इसके बाद प्रोसेस यही है कि दोबारा से उसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा उनकी सहमति के लिए। अब राज्यपाल जिन्होंने कल ही स्पेशल सेशन बुलाने को मंजूरी नहीं दी थी, अब यह देखना होगा कि सरकार इस बार क्या लॉजिक देती है, क्या कारण देती है और क्या राज्यपाल इस बार विशेष सत्र बुलाने की इजाजत देंगे। अभी फिलहाल यहां पर माहौल शांत है, विधायक जा चुके हैं, अब देखना होगा कि कब वो राज्यपाल के पास प्रस्ताव पहुंचता है और राज्यपाल उस पर क्या निर्णय लेते हैं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी विधानसभा सत्र ना बुलाने के राज्यपाल के फैसले का समर्थन किया है। मैं गवर्नर पंजाब का पुरोहित साहब के इस जो ऑर्डर है, इसको मैं वेलकम करता हूं। मैं समझता हूं ये एक एस्टेब्लिश्ड जो कैदे कानून है उसके मुताबिक हुआ है। पहला ऑर्डर इनका वॉज नॉट इन लाइन, उन्होंने लोग लीगल इस पर ओपिनियन लिया और लीगल ओपिनियन ने भी यह बात कही है गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन विधानसभा का अलाउ नहीं करता कि गवर्नमेंट ऐसा सदर खुद बुलाए। ये तब बुलाया जाता है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन से आती है। दे वर जस्ट वेस्टिंग टाइम। और आपको बता दें, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार जाने के बाद उद्धव गोट नए सिरे से खुद को राज्य में स्थापित करने में जुटा हुआ है और इस कड़ी में पहली बार उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए हैं। कल एक कार्यक्रम में उद्धव ने अमित शाह को खुली चुनौती दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शाह ने मुंबई आकर कहा था कि उद्धव ठाकरे को जमीन दिखानी है, जबकि मेरा कहना है कि आने दीजिए अमित शाह को, हम आसमान दिखाकर बिना नहीं रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने शाह की चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो एक महीने में बीएमसी चुनाव कराए और साथ ही विधानसभा चुनाव। और इस पर उद्धव के जवाब में देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
देखिए, कल के भाषण में उद्धव ठाकरे जी की निराशा बोल रही थी। मेरा उनसे सवाल है, जब वो कहते हैं कि इस्तीफा दो, चुनाव लो, अरे 2019 में आप मोदी जी का फोटो दिखा दिखा कर बीजेपी के साथ चुनकर आए थे और फिर बीजेपी की पीठ में खंजीर घोप कर जब कांग्रेस एनसीपी के साथ गए तब इस्तीफा देकर चुनाव क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का अंतिम चुनाव होगा। उनको मैं इतने कहना चाहता हूँ, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। आपने 2.5 साल कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर मुझे समाप्त करने की पूरी कोशिश कर ली, आप तब भी समाप्त नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाओ। और इस बीच मुंबई के दशहरा ग्राउंड में शिवसेना की होने वाली पारंपरिक रैली को लेकर नया पेच आ गया है। बीएमसी की तरफ से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट में से किसी को भी दशहरा रैली करने की इजाजत नहीं दी गई है। दरअसल दोनों ही गुट यहां रैली करने का दावा कर रहे थे और इसको लेकर उद्धव गुट हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जहां अब कल मामले की सुनवाई होगी। और आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय से संघ प्रमुख की मुलाकात पर चर्चा चल ही रही है कि आज संघ प्रमुख दिल्ली की एक मस्जिद पर जा पहुंचे। बताया गया कि वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, चाय भी पी और साथ ही एक मदरसे में भी गए हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है जब संघ प्रमुख, कोई भी संघ प्रमुख मस्जिद गए हों। अब कयास लगने शुरू हो गए कि इस पहल से क्या मायने हैं और इस पर क्या इसके राजनीतिक संकेत हैं। थोड़ा सा साइड हो जाओ सर प्लीज। जो इलियासी साहब है, उन्होंने बहुत दिन पहले पूजनीय सरसंघचालक जी से मिलकर निमंत्रण दिया था। वो बहुत दिन से पेंडिंग था और इसीलिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वो उनसे मिलने गए थे। और ये संघ के पूजनीय सरसंघचालक समाज जीवन के सभी प्रकार के लोगों से मिलते रहते हैं और एक संवाद की जो सामान्य प्रक्रिया सतत संघ के द्वारा चलती रहती है, उसी का एक हिस्सा है। यह होता सिर्फ ये है कि संघ की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो कभी दिखाता कुछ है और करता कुछ है। भाई, अगर आप किसी भी दूसरे समुदाय समाज के लोगों से मिल रहे हैं तो आपकी किताबों में आप मुस्लिम समाज को चिन्हित कर उस पर सवाल उठाते हैं। मुस्लिम समाज जब अपने समझ लीजिए धार्मिक चीज़ों की बात करता है या अपने धार्मिक अधिकारों की बात करता है तो उस पर आपके जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वो उस पर तीखी उल्टी प्रतिक्रिया करते हैं, उन पर हमले करते हैं। तो ऐसी जो होता है ना विरोधाभासी चीज़ें कि आप तो जाके मिल लिए और नीचे आपके लोग कुछ और ही कर रहे हैं, इसमें जो एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है, इससे हमेशा संदेह रहता है कि संघ की मंशा सही में वो है जो ये कह रहे हैं या मंशा कुछ और है। और बात अब कर्नाटक के हिजाब मामले की। कर्नाटक हिजाब बैन मामले में 10 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गर्मा गर्म बहस भी हुई तो अदालत ने भी बड़े सवाल उठाए। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर रस्साकसी चलती रही। अब 10 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ये तय करेगी कि हिजाब बैन का फैसला सही है या नहीं। लगातार 10 दिन चली सुनवाई में कई मौके ऐसे आए जब दोनों पक्षों के बीच गर्मा गर्म बहस भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव भी किया, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आए जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों पक्षों से बड़े सवाल पूछ लिए। इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम छात्राओं और संगठनों की ओर से कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि ये फैसला मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए है। हिजाब पहनने से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता। स्कूल में पगड़ी, कड़ा और बिंदी पर बैन नहीं तो हिजाब पर क्यों लगाया गया? हिजाब धार्मिक आजादी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि ये फैसला स्कूलों में सामाजिक एकता और पब्लिक ऑर्डर के लिए लिया गया। हिजाब आंदोलन के पीछे PFI की साजिश रही। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों पर भी वाजिब प्रतिबंध संभव हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान सरकार पर बड़े सवाल उठाए। अगर यूनिफॉर्म के रंग की कैप को इजाजत है तो हिजाब को क्यों नहीं? हिजाब से पब्लिक ऑर्डर और एकता को खतरा कैसे है? हाईकोर्ट को अनिवार्य प्रथा में नहीं जाना चाहिए था। जिन संस्थानों में यूनिफॉर्म नहीं है वहां क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं।
तो कुछ मुश्किल सवाल मुस्लिम पक्ष से भी पूछे हैं। ये मुद्दा जितना कानूनी है उससे कहीं ज्यादा बड़ा ये धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा है और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस मुद्दे पर 16 अक्टूबर तक फैसला आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जज इस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता, वो 16 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बस्तर में नक्सलवाद की नींव पर असमानता के आरोप लग रहे हैं। कई नक्सलियों का आरोप है कि तेलुगु काडर बस्तर के आदिवासियों को बंदूक पकड़वाता है और उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाता है। इस वजह से बड़ी तादाद में नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि नक्सलियों में शादी करने की शर्त ही नसबंदी हो गई है। ऐसे में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुलिस रिवर्स वैसेक्टॉमी करवा रही है, यानी उनकी नसबंदी खुलवा रही है। देखिए सुकमा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। सुकमा में ये सरेंडर कर चुके नक्सलियों की बस्ती है। आज वो खुश हैं, उनके आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जब जंगल में हथियार थामकर घूम रहे थे तो बच्चों के बोली की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नक्सलियों को गोली चलाने वाले हाथ चाहिए थे, इसलिए उन्होंने कई नक्सलियों की जबरन नसबंदी करवा दी। कमलू बेटी सलवा जुड़ुम के शिकार बने, गांव जलाया गया। 2007 में 12 साल की उम्र में सीधे दरभा डिवीजन में भर्ती किया गया। कुछ सालों बाद कांकेर घाटी के डिप्टी कमांडर बने। 2017 में शादी हुई। कहते हैं पिछले कुछ सालों से गाँव वालों का समर्थन घट गया है, खाने पीने के संसाधन भी, इसलिए सरेंडर कर दिया। शादी के लिए नक्सलियों ने नसबंदी की शर्त रखी थी, अब सरकार ने नसबंदी खुलवा दी है। पत्नी गर्भवती हैं, दोनों बेहद खुश। शादी करने के पहले वो नसबंदी करके ही शादी करना है बोल के बताए, उसके बाद नसबंदी भी करवाए थे। नसबंदी क्यों कराते हैं? मतलब नक्सली संगठन में मना करते सर, नसबंदी बिना शादी नहीं करना है बोल के। अगर बच्चा उच्चा होने से पकड़ के कहाँ घूमेंगे, अगर पुलिस में आने से पकड़ के ले जाएगा मारेगा, ऐसा दबाव करके नक्सली संगठन में नसबंदी करके शादी करवाते हैं। ये दूसरे समर्पित नक्सली हैं, एरिया कमेटी सचिव थे। बच्ची हुई तो निलंबित कर दिए गए। पत्नी अभी भी नक्सली हैं, बिटिया उनके पास ही है। डरते हैं कि थोड़े दिनों बाद उसे भी बाल संगठन फिर संगम सदस्य के बाद कमेटी मेंबर न बना दिया जाए। यही प्रक्रिया है, ये चाहते हैं परिवार वापस मिल जाए। पुलिस कह रही है स्पेशल ऑपरेशन चलाकर परिवार को मिलवाने की कोशिश की जाएगी। बाल संगठन बनाना पड़ता है, बाल संगठन में उनको खेल खिलाना है, नाच खिलाना, ये सब नाच गाना ये सब बताना पड़ता है। बच्चे छोटे बच्चे से ही शुरुआत होता है, बाल संगठन होता है, उसके बाद फिर संगम सदस्य होता है। संगम सदस्य से मतलब कमेटी मेंबर होता है, कमेटी से और जो अपना मन आया तो वैसे लोग जा रहे हैं सर। अब तो अच्छा लग तो रहा है, लेकिन फिर भी परिवार मतलब परिवार से अलग हूँ अब, पूरा मतलब अच्छा बोलना भी असंभव ही है। महिला और बच्ची जो है वो आना चाहते हैं बाहर अपने पति के पास में, पर कहीं ना कहीं नक्सली उनको आने नहीं दे रहे, तो उसके लिए हम लोग अभियान प्लान कर रहे हैं। कभी भी अभियान करके उनको उनके परिवार से मिलाया जाएगा। बस्तर में बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों का परिवार फिर से बस जाए। कई लोगों का नसबंदी नक्सली लोग करा देते हैं, जिसमें कि उनके संगठन में लोग जो है बच्चे पैदा ना करें, तो इस भयावह सच्चाई भयावह जो स्थिति है से बचने के लिए नक्सली वहाँ से कई लोग सरेंडर करते हैं और उनकी हम नसबंदी रायपुर में अस्पतालों के माध्यम से जो नीतियाँ हैं शासन की उसके अनुसार उसको ओपन कराते हैं और उनका परिवार चलाने में उनकी मदद करते हैं। वैसे 21 से 27 सितंबर तक नक्सली स्थापना दिवस मनाते हैं, अपने कई बड़े लीडरों को श्रद्धांजलि देते हैं और भारत बंद का आह्वान करते हैं, जिसमें कई बार हिंसक वारदात होती है। वैसे अब नक्सलियों के बीच तेलुगु कैडर के वर्चस्व और बस्तर के आदिवासियों के बीच असमानता की खबरें बढ़ गई हैं। दुर्दांत नक्सली रामन्ना की मौत के बाद उसकी बीवी सावित्री के सरेंडर को इस असमानता के विरोध की वजह भी माना जा रहा है। कभी सुरक्षा बल तो कभी नक्सली, वाकई बस्तर में
निर्दोष एक ऐसे बाड़े में फंस चुके हैं जहां इस ओर भी खतरा है और दूसरी ओर भी। सुकमा से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश के 11 राज्यों में एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर छापे मार रही है। 15 राज्यों में छापे मारे गए हैं। इस संबंध में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इन छापों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की जिसमें एनएसए और एनआईए की डीजी भी शामिल हुए। ये छापेमारी आतंकी गतिविधियों के संचालन, ट्रेनिंग कैंप चलाने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में जुटे लोगों के घरों और दफ्तरों में की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में छापों को लेकर जानकारी पहले चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता के पास। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश भर में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उनके दफ्तर पर आज सुबह से छापेमारी शुरू किया। यहाँ पे कोलकाता में जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो स्टेट हेडक्वार्टर्स है पश्चिम बंगाल का, वहां पे भी एनआईए की टीम सुबह सुबह पहुंचे और छापेमारी किए। यहाँ से जो एनआईए के ऑफिशियल्स है, सेंट्रल एजेंसीज, सेंट्रल फोर्सेस के साथ आए थे सिक्योरिटी के लिए। पूरे जो बिल्डिंग है उसको कॉर्डन ऑफ करके ये छापेमारी किया गया। और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि दो लोगों को शायद डिटेन किया है, और बाकी जगहों पे देश भर में कई जगहों में एनआईए ने आज अरेस्ट भी किया है लोगों को, चाहे वो केरला है, तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो पीएफआई का सपोर्टर्स है वो यहाँ पे तैनात है। और जो आज छापेमारी हुए है या अरेस्ट हुआ है, केरला में 22 लोग, महाराष्ट्र कर्नाटका में 20 लोग, आंध्र प्रदेश में 5, असम में 9, दिल्ली में 3, मध्य प्रदेश में 4, पुडुचेरी में 3, तमिलनाडु में 10, उत्तर प्रदेश में 8 और राजस्थान में 2। अब एनआईए द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एवर छापेमारी है जो एजेंसी द्वारा किए गया है। और आरोप जो है वो लगाया जा रहा है वो है टेरर फंडिंग का आरोप। बट यहाँ पे जो छापेमारी है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो इस वक्त खत्म हो गया है। और यहाँ पे अभी पीएफआई का जो सपोर्टर्स है वो यहाँ पे है। हमने जो बात किए उनसे, जो यहाँ के जो अधिकारी है पीएफआई की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि आज कुछ ही देर पहले यहाँ पे जो छापेमारी है वो खत्म हुआ है। और ये कोलकाता में जो पीएफआई का दफ्तर है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर है, वहीं पे आज सुबह से ये छापेमारी एनआईए द्वारा चलाया गया। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और आइए दिल्ली में हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नीता, इस रेड पर क्या अपडेट दी जा रही है? कहा जा रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। निधि, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये ऑफ द रिकॉर्ड एनआईए के ऑफिशियल्स ने ब्रीफ किया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि 106 लोगों में से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 45 जो हैं वो एनआईए ने गिरफ्तार किए हैं। उन लोगों के बारे में जानकारी दी थी कि कौन सी स्टेट से कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से बताया जाता है कि जो अरेस्ट हैं 19 अरेस्ट जो हैं वो टोटल जो है वो एनआईए द्वारा की गई हैं। अलग अलग राज्यों के बारे में उन्होंने बताया था, जैसे केरला से 19 की गई, तमिलनाडु से 11, कर्नाटक से 7, राजस्थान से 4, राजस्थान से 2, यूपी और तेलंगाना से 1। कई जगहों पे एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम्स हैं उन्होंने जॉइंट जो है वो रेड्स भी किए थे। और अरेस्टिंग जो है वो एक सिंगल एजेंसी करती है, बाकी की जो अरेस्ट हुई है स्टेट पुलिस ने भी
किए हैं। जैसे असम में जितने भी केसेस जो दर्ज किए गए हैं वो असम की पुलिस ने दर्ज किए हैं और असम की पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है। 10 लोग वहाँ पर गिरफ्तार जो हैं वो किए गए हैं। ज़्यादातर ये जो कार्रवाई है ये सदर्न स्टेट्स पर हुई है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी कहना है। जो 106 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 22 लोग जो हैं वो सिर्फ केरला में गिरफ्तार हुए हैं, 20 कर्नाटक में हुए हैं और 20 महाराष्ट्र में हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो साउथ की है। ये तीन मुख्य बिंदुओं पे, जो तीन बातों पे ये जो कार्रवाई है वो हुई है। पहली ये थी कि ये लोग जो हैं वो एक जो है आर्म्स की ट्रेनिंग दे रहे थे लोगों को। दूसरी ये थी कि टेरर फंडिंग के लिए ये पैसा इकट्ठा कर रहे थे। और जो हमने देखा था कि पिछले कुछ महीनों में जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे या फिर कोई टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होती थी उसमें पीएफआई का नाम सामने आता था। और तीसरी बात ये कि ये नौजवानों को रेडिकलाइज कर जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं भारत में उनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इन तीन बिंदुओं को लेकर जो एनआईए और ईडी की जांच है वो की गई थी, जिसके तहत 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज दोपहर को निधि केंद्रीय गृह मंत्री ने इसको रिव्यू भी किया था। उस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल, साथ में डीजी एनआईए जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इन लोगों ने, क्योंकि इसका ये कंट्री वाइड रेट थी, पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतनी मल्टी लैटरल जो एजेंसीज हैं वो खुद कोऑर्डिनेट कर जो है वो रेड्स कर रही थी और अरेस्ट कर रही थी, तो इसका कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के मुतल्लिक कहीं फॉल आउट ना हो उसे लेकर भी जो है रिव्यू केंद्रीय गृह मंत्री ने किया था। अब एक ये लंबा प्रोसेस है क्योंकि पीएफआई अभी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इंडिया में, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है क्योंकि अब जो बेस है वो केंद्र सरकार ने बनाना शुरू कर दिया है कि ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं, टेरर फंडिंग्स में शामिल रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं उन्हें काम नहीं करने दे रहे, तो अलग अलग धाराएं इनके ऊपर लगाई जा रही हैं। तो इसके ऊपर भी अब एक बहस स्टार्ट हो गई है कि पीएफआई को बैन किया जाए या नहीं। निधि बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस तमाम अपडेट के लिए, स्टेट पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद और खबरें लेकर हाजिर होंगे। सेना ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक विरासत और निशानियों से निजात पाने की तैयारी में है। इसकी समीक्षा शुरू हो गई है। कोशिश हो रही है कि सेना का सही मायने में भारतीयकरण हो। बीटिंग रिट्रीट में बजी ये धुन, ये मेरे वतन के लोगों, अबाइड विथ मी की विदाई हो गई। फिर नौसेना के झंडे का निशान बदला। अब और भी काफी कुछ बदलने की तैयारी है ताकि भारतीय सेना ब्रिटिश काल की निशानियों से मुक्त हो, अपने तौर तरीके और परंपराओं में भी पूरी तरह भारतीय दिखे। इस पर सेना मुख्यालय और रक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी हो रही है। पुराने नियमों और नीतियों की समीक्षा हो रही है। ब्रिटिश काल के नाम और तरीके भी बदलेंगे। यूनिट और रेजिमेंट के नाम भी बदल सकते हैं। सेना की वर्दी और कंधे पर लगने वाले सितारों की भी समीक्षा होगी। अंतिम संस्कार में तोप बग्घी के इस्तेमाल पर भी विचार होगा। हर वह प्रोसेस जो हमारी क्षमता और हमारी काबिलियत को आगे नहीं बढ़ाती है या यूनिट्स में ऑफिसर्स जैसे जवानों के संबंध को बेहतर नहीं करती है, उनको छोड़ देना ही उचित है। दरअसल सेना में आजादी के दौर के पहले के रीति रिवाज चले आ रहे हैं। मेस में खाने से लेकर बीटिंग रिट्रीट जैसे समारोह तक, लेकिन अब सेना का भारतीयकरण होना है। हालांकि इस बदलाव की अपनी चुनौतियां हैं। बदलाव जरूरत है मैं मानता हूं, लेकिन इस आर्मी के अंदर कम से कम पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस ना हो तो अच्छा है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट प्ले अराउंड विद ट्रेडिशंस, कस्टम्स
and recruiting pattern of the Indian Army. Leave it to the Indian Army. बदलाव जो भी हो, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि सेना की पेशे और क्षमताओं पर असर ना पड़े। दुनिया भर में भारतीय सेना अपनी पेशे और रवैये के लिए जानी जाती है। यह सम्मान उसने लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के बीच ही हासिल किया है। यह अच्छी बात है कि सेना को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त किया जाए, लेकिन यह काम बहुत सावधानी पूर्वक किए जाने की जरूरत है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और जाते जाते बात अब पर्यावरण की करते हैं। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में समुद्र तट का एक हिस्सा समंदर में समा चुका है। करीब 55 हेक्टेयर जमीन जा चुकी है, यानी 10 स्टेडियम्स के बराबर ये जमीन है। एक रिपोर्ट। मुंबई से थोड़ी दूर रायगढ़ जिले के देवगढ़ के पास कोस्ट लाइन पर क्या क्लाइमेट चेंज का असर दिखा है। वानखेड़े स्टेडियम के आकार से लगभग 10 गुना बड़ा करीब 55 हेक्टेयर का ये तटीय क्षेत्र समंदर में समा चुका है। शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये दावा पेश किया है। पुणे में गैर लाभकारी संस्था सृष्टि कंजर्वेशन फाउंडेशन ने 1.5 किलोमीटर लंबे सागरी तट क्षेत्र वाले बैंकॉट क्रीक के मुहाने के करीब ये अध्ययन किया। 1990 से 2022 के बीच मैंग्रोव वेटलैंड रेतीले तटों सहित तटीय क्षेत्र का लगभग 55 हेक्टेयर हिस्सा नष्ट हुआ है। ये एनालिसिस जब हम कर रहे थे तो ये समझ में आ रहा है कि काफी सारी जगह ऐसी है जहां पे समुद्र ने जमीन खा ली है। इसका ठोस उपाय हमें पॉलिसी के द्वारा ही करना पड़ेगा। आज जो हम कर रहे हैं वो जो खारबंदरा हो या सी वॉल्स हो या ग्रॉइंस जो भी हम बना रहे हैं वो बड़ा ही एडहॉक बेसिस पे है, उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे सिर्फ ये समस्या एक जगह से दूसरी जगह पे निकल जाएगी, तो इसके लिए यह जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरा कोस्ट का एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करके वल्नरेबल एरिया का रेटिंग करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रिस्क कौन से एरिया में है। महाराष्ट्र की सिकुड़ती तटरेखा पर पर्यावरणविद चिंतित हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बढ़ते समंदर के स्तर के परिमाण स्वरूप तटीय कटाव और रेत खनन जैसे कुछ कारणों को इसकी वजह के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन शोधकर्ता मानते हैं कि ऐसे कटाव का व्यापक विश्लेषण जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।